Welcome friends. So now we are going to discuss about the band breaks. Okay. तो बैंड ब्रेक का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि हम लोग एक बैंड यूज कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ अपना जैसा बेल्ट ड्राइव होता है तो एक बेल्ट टाइप का एक मैकेनिज्म यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो कि ब्रेक की तरह काम करेगा. ठीक है. तो जो हमारा गिवन डायग्राम है यहाँ पे, सो दिस ब्लैक कलर इज अवर व्हील या फिर जो भी अपना रोटेटिंग सिस्टम है वो है अपने ब्लैक कलर में. ठीक है. नाउ दैट सिस्टम इज रोटेटिंग इन एनी गिवन डायरेक्शन. ओके. तो फॉर अवर एग्जांपल लेट्स कंसीडर द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है. राइट. नाउ ये जो इसके ऊपर हमने एक रोप बना रखा है, एक रोप टाइप का जो स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली ए बैंड. ओके. और जब हम यहाँ पे एक्चुएटिंग लोड लगाएंगे, लोड पी, जैसे कि मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया. ठीक है. तो जैसे मैं ऊपर की तरफ लोड पी लगाऊंगा, देर इज गोइंग टू बी टेंशन इन दिस बैंड. ओके. और उस टेंशन की वजह से दिस बैंड इज गोइंग टू टच द रोटेटिंग व्हील. और जब उसको टच करेगा एंड देन देर विल बी सम फ्रिक्शन बिटवीन दिस टू एंड दैट फ्रिक्शन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टॉपिंग ऑफ व्हील. है ना. तो देखो, अगर यहाँ पे अगेन इफ आई लुक एट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इट, अगर मेरे को इसको एनालाइज करना है कितने लोड्स जनरेट हो रहे हैं, क्या क्या कंडीशंस एग्जैक्टली यहाँ पे बन रही हैं. ठीक है. तो क्या होगा कि ये जो अपनी रोप है या फिर जो अपनी बैंड है बेसिकली, उस बैंड के अंदर देर इज गोइंग टू बी ए टेंशन. राइट. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हेयर, मैं इसको ऐसे कट कर देता हूँ. ठीक है. तो ऊपर वाला पार्ट अलग बनाते हैं, नीचे वाला पार्ट अलग बनाते हैं. ओके. तो दोनों पार्ट्स को यहाँ पे अगर मैं सेपरेट कर लेता हूँ. ठीक है. तो लेट्स से दिस इज माय अपर सेक्शन जिसको पर मैंने यहाँ पे लोड लगाया था पी. ठीक है. नाउ हेयर देर इज गोइंग टू बी टेंशन इन दिस रॉड. ओके. टी वन एंड बेस्ड अपॉन द डायमेंशन आई कैन कैलकुलेट द थीटा ऑल्सो. ना, थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे इजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ कितनी होगी. ओके. एंड दिस इज हिंज ऑल्सो. है ना. सेकेंड अपना यहाँ पे देर इज गोइंग टू बी अ टेंशन टी टू फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. ये अपनी यहाँ पे क्या हो रही है, टेंशन जनरेट. और लेट्स से दिस इज टी टू एंड दिस इज टी वन. ठीक है. दो टेंशन से इधर जनरेट हो गए एंड आई एम गिवन द डायमेंशंस. तो डायमेंशन से लेट्स से मैंने मान लिए दिस इज माय लेंथ लेट्स से बी एंड द टोटल लेंथ हियर इज एल. ओके. ये जो टोटल लेंथ है यहाँ पे ये अपनी एल है. नाउ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करेंगे सिग्मा एम अबाउट ओ इज इक्वल टू जीरो. है ना. ओ यानी कि अपना हिंज पॉइंट है. तो अगर मैं इसको जीरो कर दूंगा तो दैट विल गिव मी टी वन इंटू बी. ओके. टी वन इंटू बी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस पी इंटू एल एंड दैट इज इक्वल टू जीरो. ठीक है. तो ये होगी मेरी पहली इक्वेशन. तो जो मेरा लोड रिक्वायर्ड है फिर जो टेंशन जनरेट होगी उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है दैट विल बी पी इज इक्वल टू टी वन बी डिवाइडेड बाई एल. राइट. दैट इज माई एक्चुएटिंग लोड. ओके. ये तो हो गया इसका एक पार्ट. दूसरा, अभी हम लोगों को क्योंकि यहाँ पर टेंशन की वैल्यू भी नहीं मालूम है. ठीक है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू सी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लोअर हाफ हेयर. ठीक है. तो लोअर हाफ की मैं बात करूँ, ये मेरा व्हील था जो चीज़ रोटेट हो रही थी. ठीक है. अब इसके ऊपर ये दो टेंशन वैल्यूज लग रही हैं, वन देर इज दिस टी टू अनदर इज दिस टी वन. राइट. तो लग रही है. अब T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन होता है, इफ़ आई ऑलरेडी नो द एंगल. ठीक. अगर मेरे को ये एंगल की वैल्यू मालूम हो, अगर ये वैल्यू मेरे को थीटा मालूम है, तो T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी. ओके. देख, सिंपल सा रिलेशनशिप दोनों के बीच में होता है दैट T1 इज इक्वल टू T2 इंटू ई रेज टू पावर म्यू थीटा. ठीक है. यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. बैंड के बीच में और व्हील के बीच में कितना कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है वो वैल्यू है. थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रैप. एंगल ऑफ रैप यानी कि कितना रैपिंग हो रखा है उस बेल्ट का अराउंड द व्हील, उसका हम लोग एंगल की बात करेंगे. एंड अब देखो यहाँ पे यूजुअली जो कन्फ्यूजन आता है दैट इज बिटवीन कि टी वन इज इक्वल टू टी टू इंटू ई रेज़्ड टू पावर म्यू थीटा लिखें या फिर उल्टा लिखें. मतलब ये भी लिख सकते थे यहाँ पे कि टी टू इज इक्वल टू टी वन ई रेज़्ड टू पावर म्यू थीटा. ठीक है. तो इन दोनों में से सेलेक्ट कैसे करेंगे कि कौन सा करना है, तो जो वैल्यू मैक्सिमम है, जो वैल्यू ज़्यादा है T1 और T2 में से, दैट विल बी ऑन लेफ्ट साइड. ठीक है. तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी मालूम है कि जब एक तरफ T1 लग रहा है दूसरी तरफ T2 लग रहा है एंड आई ऑलरेडी नो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हेयर. ठीक है. तो इस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की वजह से द टेंशन, देखो ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज
दिस, ठीक है, एक इस रोप में टेंशन आनी है, एक इस रोप में टेंशन आनी है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब इसको ऐसे खींच रहा है, ऐसे नीचे की तरफ खींच रहा है ना ये इसको, क्योंकि पुलिस डायरेक्शन में घूम रही है, तो इस डायरेक्शन, इस रोड में, यानी कि जो मेरा राइट साइड का जो बैंड है, इट इज़ गोइंग टू एक्सपीरियंस मोर टेंशन। दैट इज़ वाई दिस टी वन वैल्यू विल बी मोर देन टी टू वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि टी वन की वैल्यू टी टू से ज़्यादा क्यों है, बिकॉज इट इज़ बाई वर्च्यू ऑफ द रोटेटिंग पार्ट इटसेल्फ, कि टी वन की वैल्यू ज़्यादा होगी टी टू से। एंड ई रेज टू पावर जो म्यू थीटा है, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वन, दैट इज़ वाई आई कैन से टी वन विल बी इक्वल टू टी टू इंटू ई रेज टू पावर म्यू थीटा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो थीटा की वैल्यू अपने को लेनी है, द थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ओके, थीटा को हम लोग रेडियन में यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये एक सिंपल सा रिलेशन इसके बीच में निकल के आ जाता है। अगर तो ये अपना रिलेशन गलत हो जाएगा ना, अगर यहीं पे मैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर उल्टा कर देता, ठीक है, तो जैसा मैं अगर इसको ऐसा कर देता, राइट साइड में बना रहा हूँ, ओके, अगर यही दोनों रोप्स होती मेरे पास में, बट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन लेट से आई एम डूइंग एज दिस, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो अगर यहाँ पर मैं वही अज्यूम करूँगी, दिस इज माई टी टू एंड दिस इज माई टी वन, नाउ आई नो दैट टी टू इज मोर देन टी वन ओवर, है ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से मेरे को पता लग रहा है कि टी टू के अंदर ज़्यादा खिंचाव आएगा एज कम्पेयर टू टी वन, तो टी टू की जो टेंशन होगी दैट इज गोइंग टू बी मोर देन टी वन। तो यहाँ पर रिलेशन में क्या लिख देता, टी टू इज इक्वल टू टी वन इंटू ई रेज टू पावर म्यू थीटा। सिंपल है ना, इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होना कि किसको हमेशा टी वन इक्वल टू टी टू ई म्यू थीटा ही लिखना है, और इस चीज़ में मत कन्फ्यूज होना कि हमेशा राइट साइड का ही मैक्सिमम होगा या फिर हमेशा लेफ्ट साइड का मैक्सिमम होगा। सिंपली लुक एट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड उसके बेसिस पे तुम खुद डिसाइड करो कि दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, और फिर वो फॉर्मूला लगा दो। और थीटा की वैल्यू क्या है, रैप एंगल है, तो जितना वो उसको रैप कर रहा होगा उस एंगल की वैल्यू हमको लेनी है रेडियन के अंदर। ठीक है, तो एक एक इक्वेशन हम ये लिख देंगे टी वन और टी टू में। ठीक है, और एक इक्वेशन कहाँ से आएगी, अनदर इक्वेशन आई विल गेट फ्रॉम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जितना भी टी टू का कंपोनेंट आएगा, इधर टी टू का कुछ कंपोनेंट आएगा प्लस टी वन इज इक्वल टू पी, तो इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू एंड दिस इक्वेशन नंबर थ्री। ओके, सो आई कैन नाउ कैलकुलेट ऑल दिस थ्री इक्वेशंस, तो तीन जो भी मेरे अननोन वैल्यूज थी वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे, तो वो एग्जाम्पल लेने के बाद में काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा वो, है ना, कि एग्जैक्टली अपन लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी बैंड ब्रेक का ही एक स्पेशल केस अगर मैं लूँ, स्पेशल केस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो नॉर्मल बैंड ब्रेक था, यहाँ पे हमारा रस्सी का एक जो पार्ट है दैट इज एट हिंज, है ना, तो जो भी हमारी बैंड है, बैंड्स वन एंड इज एट हिंज, बट अभी मैं क्या करता हूँ कि उसके दोनों के दोनों एंड जो है वो बार पे अटैच कर दिए हमने, यानी कि नन ऑफ द एंड्स इज अटैच्ड एट द हिंज। तो अब इस केस में क्या होगा, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लेंथ अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज ए एंड लेट्स से दिस इज बी, और जो टोटल डिस्टेंस है वो अपनी अभी भी एल ही है। ठीक है, एंड नाउ आई एम अप्लाइंग दिस लोड ऑफ पी ओवर हियर। ठीक है, पी का लोड मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो अभी अगेन मैं क्या करूँगा, इसको एनालाइज करने के लिए आई एम गोइंग टू नीड द फ्री बॉडी डायग्राम, है ना, और मेरे को ये मालूम है कि यहाँ पे टेंशन जनरेट होगी दोनों के बीच में, है ना, तो अभी क्या कर देता हूँ मैं इसको फ्री बॉडी डायग्राम पर आ जाता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम जब मैं इसका बनाऊँगा, दिस इज गोइंग टू बी, ये देखो, ये जो ब्रेक बार है इसके ऊपर एक लोड, ये तो डायरेक्टली लग रहा है पी, है ना, इसके बारे में तो कुछ करने की जरूरत नहीं, दिस इज माई हिंज। ओके, नाउ हेयर आई विल बी गेटिंग टेंशन, है ना, तो लेट्स से अच्छा ठीक है, इसमें भी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पहले अज्यूम कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमने मान लिया क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज होगा तो दिस वैल्यू विल बी लेसर एंड टी वन विल बी हायर। ओके, और इसका जो रेस्पेक्टिव डायग्राम बनेगा अपना ऑन द रोटेटिंग ड्रम, राइट, तो ये वैल्यू अपनी टी वन और ये वैल्यू मेरी टी टू, है ना, और इनके बीच में जो भी होगा, जैसे नाइन ये 180 डिग्री रहेगा इस केस में, तो दैट इज अवर थीटा, यानी एंगल ऑफ रैप हो गया। ठीक है, तो अभी पहली क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू जीरो मीनिंग
I will simply say T2 plus T1 is equal to P. Okay. Second equation में क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा जो band का जो tension के बीच का जो relationship है ना. Here I know that T1 is more than T2 because of the direction of rotation. So I will say T1 is equal to T2 into e raised to power mu theta. ठीक है. And third one I will say sigma m about hinge is equal to 0. This is O. ओके okay, और ये लेंथ से मेरे को मालूम है, दिस इज ए, अगली लेंथ एक बी है और एक लेंथ एल है. राइट right? तो ये मेरा क्या बन जाएगा, दैट विल गिव मी T2 इंटू ए प्लस T1 इंटू बी इज इक्वल टू पी इंटू एल. ओके तो ये सिंपल सिंपल से मैंने यहाँ पे रिएक्शन बना लिया बेस्ड अपॉन विच आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू, है ना. तो यहाँ से अगर मैं पी का रिलेशन निकालता हूँ तो पी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, बेसिकली T1B प्लस T2A डिवाइडेड बाई L. ये मेरा आ गया P का रिलेशनशिप. ठीक है. अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ द ब्रेकिंग टॉर्क, है ना. तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है, तो टॉर्क की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे. टू कैलकुलेट द टॉर्क वैल्यू आई विल एनालाइज द व्हील. जैसे हम लोगों ने पिछले केस में किया था, सू ब्रेक के केस में किया था, है ना. तो अपना जो वहाँ पे ड्रम को एनालाइज किया था, राइट, सेम ड्रम आई एम गोइंग टू एनालाइज हियर आल्सो. तो ये जो व्हील है मेरा, इसके ऊपर में अभी दो टेंशन लग रही होंगी. ठीक है. वन देयर इज दिस T1. ओके. पहला वाला अगर हम केस अज्यूम करें नॉर्मल इसका, तो देयर वाज दिस T2. एंड मैं जनरलाइज्ड केस ले रहा हूँ जिससे कि तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं हो कि कौन सी वैल्यू का भी अज्यूम करनी है. ठीक है. दिस इज अवर थीटा. तो देखो T1 एंड T2 टू टेंशन आर एक्टिंग देयर, है ना. और जो इसकी रेडियस है दैट इज R. दिस इज माई रेडियस आर. तो T1 की वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रहा होगा या फिर जो कपल जनरेट हो रहा होगा दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना. तो मेरा अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूँ या फिर नेट कपल की बात करूँ तो T1 की वजह से जो आएगा दैट इज T1 इंटू आर एंड इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट. सिमिलरली एट द सेम टाइम T2 की वजह से एक टॉर्क आ रहा होगा एंड दैट विल बी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन, राइट. क्लॉकवाइज होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, T2 इंटू आर होगी, दैट इज इन क्लॉकवाइज. तो इनका अगर मैं नेट इफेक्ट देखूंगा तो टी वैल्यू इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू आर. ओके. तो ये टॉर्क हमसे कभी कभी पूछा जाता है, जैसे पिछले पन्ने जो केसेस देखे थे वहाँ तो हर बार टॉर्क ही पूछा गया था, तो यहाँ पे भी पूछा जाता है. तो इट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी भी हो हमारा जो टॉर्क का वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी T1 माइनस T2 इंटू आर. थीटा की वजह से सिर्फ इतना चेंज होगा दैट T1 इज इक्वल टू T2 इंटू ए रेज टू पावर म्यू थीटा. ओके. और कुछ नहीं चेंज होगा थीटा की वजह से. ठीक है. तो ये एनालिसिस अपना हो गया डिफरेंशियल टाइप के बैंड ब्रेक का एंड नॉर्मल टाइप के बैंड ब्रेक का. ठीक है. अभी इनमें एक दो वेरिएशन और भी हो सकते हैं बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. सिंपली यहाँ पे जो अगली चीज़ हम करेंगे दैट इज कि सेल्फ एनर्जाइजिंग टाइप का जो केस हमने सू ब्रेक में कंसिडर किया था दैट इज गोइंग टू बी हेयर ऑल्सो. ओके. एंड वो कब होगा, दैट ब्रेक इज सेट टू बी सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक व्हेन मूवमेंट ड्यू टू टेंशन, है ना, इज इन सेम डायरेक्शन एज मूवमेंट ड्यू टू एफर्ट. ओके. तो जो अपना टेंशन की वजह से जो मोमेंट होगा वो अगर अपना एफर्ट के डायरेक्शन का मूवमेंट के जैसा आ जाए, है ना, तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज सेल्फ एनर्जाइजिंग. ओके. तो व्हाइल डिजाइनिंग द सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक वी डोंट परमिट सेल्फ लॉकिंग एंड अनकंट्रोलेबल ब्रेकिंग. ओके. तो अनकंट्रोलेबल ब्रेकिंग और वो सब क्या होगा, तो देखो अपन ऊपर जो पी का रिलेशन निकाला था इन द फर्स्ट केस दैट वाज पी इज इक्वल टू T1B/L, राइट. पहले केस में जो था अपना नॉर्मल के केस में दैट वाज पी इज इक्वल टू T1B/L. और अभी जो अपन ने पी की वैल्यू निकाली है दैट पी इज इक्वल टू हाउ मच दैट इज अवर T1B प्लस T2A डिवाइड बाई L. तो यहाँ पे तो इन चीज़ों को मतलब सेल्फ लॉकिंग वगैरह देखने की जरूरत नहीं बिकॉज P इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है. तो सेल्फ लॉकिंग के कंसेप्ट समझने के लिए लेट्स कंसिडर ए थर्ड केस ऑफ डिफरेंशियल ब्रेकिंग ओनली. ठीक है. डिफरेंशियल ब्रेकिंग का ही केस हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं और ये मेरा हो गया ब्रेक बार, राइट. हिंज यहाँ पे कहीं पे भी लगी हुई है और उस हिंज के दोनों तरफ में मेरा बैंड है. ठीक है. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट हियर.
कि हिंज के दोनों तरफ में बैंड है। अब इसकी वजह से जो टेंशन आ रही होगी दैट वी कैन सी, है ना। तो अगर ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, राइट, देन अगेन व्हाट आई विल डू, आई विल मेक द फ्री बॉडी डायग्राम हियर, और जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा देन आई विल गेट कि ये बीच में अपना, लेट से दिस इज माई ए एंड दिस इज बी, और यहाँ पे मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में लोड मैं ज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो तो लगेगा ही नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी ब्रेकिंग ओवर हेयर, तो यहाँ पे मैंने पी लोड मान लिया, ठीक है। अगेन ये जो लेंथ है हिंज से दैट इज माई एल, ओके। तो अब यहाँ पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दिस इज गोइंग टू बी माई मैक्सिमम मोर टेंशन, हेयर इट इज गोइंग टू बी लेसर टेंशन, और ये मेरा आ गया पी। अब अगर यहाँ पे फोर्स बैलेंस मोमेंट बैलेंस कर देता हूँ, सिग्मा एम अबाउट द हिंज इज इक्वल टू जीरो, दैट विल गिव मी टी टू इंटू ए प्लस पी इंटू एल, दीज आर गिविंग मोमेंट इन सेम डायरेक्शन, माइनस टी वन इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इक्वेशन को, दिस इज गोइंग टू गिव मी पी इज इक्वल टू टी वन बी माइनस टी टू ए डिवाइडेड बाई एल। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ सेल्फ लॉकिंग। सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन क्या होती है अपनी, जहाँ पे पी इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो पी इज इक्वल टू जीरो इज सेल्फ लॉकिंग, तो वो कब होगा, व्हेन टी वन बी इज इक्वल टू टी टू ए, राइट, उसी केस में ये चीज़ जीरो होगी, तो दैट विल गिव मी द सेल्फ लॉकिंग। तो ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, एक तो नेचुरली ए और बी पे डिपेंड करेगा, एंड दूसरा इट विल डिपेंड अपॉन द रैप, रैप कितना हुआ है उसका, उस चीज़ के ऊपर में डिपेंड करेगा, ठीक है, रैप एंगल के ऊपर। तो एक तो हो गया सेल्फ लॉकिंग, सेल्फ लॉकिंग का केस, ठीक है। सेकेंड केस हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कंट्रोलेबल ब्रेकिंग का, है ना, यानी कि जब हम चाहेंगे तब लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, P मस्ट बी पॉजिटिव, है ना, एंड P पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, टी वन बी मस्ट बी मोर देन टी टू ए, तो दैट इज माई कंट्रोल्ड ब्रेकिंग, है ना, कंट्रोलेबल ब्रेकिंग है। देन थर्ड वन इज अवर अनकंट्रोलेबल ब्रेकिंग, जो अपन ने केस पिछले बार रिज्यूम किए थे, सेम केसेज वी आर रिज्यूमिंग हेयर। तो अनकंट्रोलेबल ब्रेकिंग का मतलब क्या, P इज नेगेटिव, P नेगेटिव में चला गया हमारा, है ना, तो P नेगेटिव कब जा सकता है, वन टी वन बी इज लेस देन टी टू ए, सो दिस कंडीशन इज नॉट डिजायर्ड, वी डू नॉट वॉन्ट दिस कंडीशन टू हैपन, एज वेल एज दिस कंडीशन इज ऑल्सो नॉट डिजायर्ड, ठीक है। हम लोग सेल्फ लॉकिंग नहीं प्रेफर करेंगे कभी भी, बिकॉज अगर सेल्फ लॉकिंग कर दिया उसमें तो वो तो लॉक हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा उसके ऊपर में, ठीक है। तो दैट इज इट। नाउ फॉर द कन्फिगुरेशन, ब्रेक नंबर थ्री इज द बेस्ट ब्रेक, आइदर द व्हील रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज इट गिव्स द सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक, ठीक है। तो अपन ने जो कॉन्फ़िगरेशन थ्री की जो बात की, यानी कि दिस कॉन्फ़िगरेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पे ये देखो टी वन की वजह से जो कपल आ रहा है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, और टी टू की वजह से जो आ रहा है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, और पी की वजह से जो आ रहा है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया अपना उस साइड का। नाउ ये इसको एड कब करेगा, मतलब जो हमारा पी की वजह से जो कपल लग रहा है दैट विल बी एडेड बाई टेंशन कपल व्हेन अवर टी टू बी टी टू ए इज मोर देन टी वन, है ना, ये कंडीशन होगी तभी जाके अपना नेट जो है पी को ये असिस्ट करेगा, है ना, अदरवाइज तो नहीं असिस्ट कर पाएगा, तो दैट विल बी अवर सेल्फ एनर्जाइजिंग केस, ओके। उस केस को हम लोग जो है सेल्फ एनर्जाइजिंग केस के नाम से जानेंगे, ओके। अब हम क्या करते हैं इसके कुछ अच्छा एक और चीज़ कर लेते हैं, इसका बेल्ट बैंड का डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर सारे क्वेश्चंस एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो बैंड डिज़ाइन जो है दैट वी हैव टॉक्ड अर्लियर ऑल्सो, ओके, हम लोगों ने इसका स्ट्रेस की बात किया था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज माई व्हील, है ना, जिसके ऊपर मैंने बैंड लगा रखा था। अब इस बैंड के अंदर देयर आर टू टेंशन गेटिंग जनरेटेड बोथ साइड्स, है ना, टी वन हो रहा है, टी टू हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में अलग अलग हो रहा है। तो इफ़ आई से दैट टी वन इज मोर देन टी टू, ठीक है, तो जो ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगी वो ऑब्वियसली टी वन के डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो टी वन की साइड में जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है दैट इज हायर, अगर मैं यहाँ को फिर इसे कट कर लेता हूँ और स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, और लेट्स से कि मैंने एक रेक्टेंगुलर बैंड ले रखा है, तो ये किस टाइप का दिखाएगा मेरे को,
will be ये कुछ उसकी थिकनेस होगी और ये कुछ उसकी विड्थ होगी बैंड की, है ना, हम लोग बैंड की बात कर रहे हैं ना. और दिस इज द पार्ट वेयर आई वांट टू नो द स्ट्रेस वैल्यू एंड द लोड दैट इज एक्टिंग ऑन दिस इज टी वन. ठीक है, टी वन का इसके ऊपर टेंशन लग रहा था और ये मेरी जो है थिकनेस है टी इसकी. ऑलराइट, विड्थ इज बी. तो जो स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होगी दैट स्ट्रेस इज गोइंग टू बी हाउ मच, सिग्मा इज इक्वल टू टी वन डिवाइडेड बाई बी इंटू टी. ओके, बी इंटू टी का अपना जो सिग्मा जनरेट होगा एंड सेफ कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, दिस सिग्मा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल. ओके, तो टी वन अलाउएबल आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम हेयर और टी वन मैक्सिमम विल बी सिग्मा परमिसिबल इंटू बी इंटू टी. ठीक है, तो इफ़ आई ऑलरेडी नो द टेंशन वैल्यू, अगर मेरे को जैसे टेंशन मालूम है, मेरे को परमिसिबल स्ट्रेस का वैल्यू मालूम है और बी और टी के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, फिर अगर एक वैल्यू में से दे रखे होगी तो आई कैन कैलकुलेट द अदर वैल्यू. ठीक है, तो ये अपना हो गया डिजाइन पार्ट एंड दिस टी मैक्स इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ द बैंड. ठीक है, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ बैंड, बैंड का कितना स्ट्रेंथ. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द एग्जाम्पल्स एज पर प्रीवियस ईयर्स. ओके ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने को म्यू की वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली 0.25. ठीक है, एंड एंगल ऑफ रेप इज गिवन एज थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्रीज. ओके, तो 270 डिग्री को हम लोग कभी डिग्री में तो लेते नहीं, हमें किसी में लेना है रेडियन में लेना है. दिस विल बी 3π/2, है ना, जो रेडियस दे रखी है दैट इज 1 मीटर. ओके, एफ टू की वैल्यू इज गिवन एज 1 न्यूटन एंड वी नीड टू कैलकुलेट द टॉर्क एग्जर्टेड ओवर हियर. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को काम क्या करना है, आई विल नीड टू कैलकुलेट द एफ वन वैल्यू. ठीक है, तो एफ वन वैल्यू के लिए देखो, सिंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉक वाइज. ओके, तो दिस एफ वन साइड इज गोइंग टू बी टाइट साइड, है ना. एफ वन की जो साइड होगी ये ऊपर की तरफ खींचेगी तो दिस विल बिकम माई टाइट साइड, है ना. और एफ टू की साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्लैक साइड हो जाएगी. दैट इज वाई आई कैन से दैट एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इंटू ई रेज टू पावर म्यू थीटा, है ना. दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनेगी ना, राइट. अगर मैं यहाँ पे दोनों का वैल्यू डाल देता हूँ तो एफ टू की वैल्यू कितनी है, 1 × e^2 म्यू. म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.25 m^2 इंटू थीटा इज 3π/2. ओके, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3.248. ओके, तो आई कैलकुलेटेड एफ वन इज इक्वल टू 3.248 न्यूटन. ठीक है, एफ वन की वैल्यू आ गई मेरी. अब मेरे को निकालना क्या था, टॉर्क वैल्यू निकालनी थी. तो टॉर्क क्या होगा, सिंपली टॉर्क इज गोइंग टू बी इक्वल टू एफ वन माइनस एफ टू इंटू रेडियस. ओके, एंड दैट विल बी 2.248 × 1, है ना. रेडियस की वैल्यू 1 मीटर दे रखे तो दैट विल बी 2.248 न्यूटन मीटर. ओके, सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इधर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बैंड ब्रेक रेशियो ऑफ टाइट साइड बैंड टेंशन टू द टेंशन ऑन स्लैक साइड इज 3. ठीक है, लेट्स अज्यूम कि टी ऑन टाइट साइड इज टी वन एंड टी ऑन स्लैक साइड इज T2. तो द फर्स्ट रिलेशनशिप दैट आई एम गिवन इज T1 इज इक्वल टू 3 × T2, है ना. ये अपने को पहले चीज़ दे रखी है. इफ द एंगल ऑफ ओवरलैप ऑन द ड्रम इज 180 डिग्री, है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियंस. कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन रिक्वायर्ड विल बी हाउ मच. ओके, तो म्यू की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है. तो ये अपना सॉर्ट ऑफ रिवर्स कैलकुलेशन टाइप का हो गया. अर्लियर वी वर गिवन म्यू एंड वी नीडेड टू कैलकुलेट द लोड वैल्यूज, द टेंशन वैल्यूज, है ना. अब यहाँ पे क्या होगा, टेंशन के बीच में एक रिलेशन दे रखा है ऑलरेडी एंड वी नीड टू कैलकुलेट द म्यू वैल्यू. ठीक है, तो जो अपना फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी T1 इज इक्वल टू T2 × e^2 म्यू थीटा, है ना. तो T2 × e^2 म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी, वी नीड टू कैलकुलेट दैट एंड थीटा इज पाई म्यू पाई. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू T1, तो T1 कितना, 3 × T2. ओके, इसको जब मैंने सॉल्व किया दिस गिव्स मी e^π μ π = 3. बट आई डू नाउ आई विल टेक लॉग बोथ साइड, है ना. तो म्यू इंटू पाई इज इक्वल टू ln3. ln वाला लॉग लेना क्योंकि e की पावर यहाँ पे तो नेचुरल लॉग हमको लेना, 10 वाला लॉग नहीं लेना, मतलब log वाला नहीं लेना, ln वाला लेना. ठीक है, तो फ्रॉम हियर आई कैन कैलकुलेट म्यू इज इक्वल टू ln3 / π. एंड जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू विल कम आउट टू बी 0.35. ओके, तो ये अपने यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली. नाउ ए बैंड कंसिस्ट्स ऑफ ए लीवर अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द बैंड, अदर एंड ऑफ द बैंड इज फिक्स्ड टू द
ग्राउंड, ठीक है. व्हील हैज ए रेडियस ऑफ 200 मीटर. तो पहले अपने को क्या याद रखिए, रेडियस इज 200 mm, यानी कि 0.2 मीटर हो गया, ठीक है. एंड द रैप एंगल इज 270 डिग्री, यानी कि थीटा वैल्यू इज इक्वल टू 270 डिग्री, विच आई विल से 3π/2. ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड ऑन द लीवर इज लिमिटेड टू 100 न्यूटन. सो पी की वैल्यू अप्लाई की जा रही है, दैट इज 100 न्यूटन, एंड म्यू इज इक्वल टू 0.5. ओके, नाउ व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दैट आई नीड टू कैलकुलेट इज मैक्सिमम जनरेटेड टेंशन. ओके, तो मैक्सिमम टेंशन कितनी होगी वो अपने को पता लगानी है, ठीक है. तो सबसे पहले तो क्या होगा, इस बैंड को जब मैं यहाँ से बीच में से काटूंगा तो आई विल गेट द टेंशन हियर, टी कुछ टेंशन आएगी, ठीक है. तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है. तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए दिस इज माई ब्रेक लीवर, है ना. यहाँ पर ये 100 न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ पर अब एक टेंशन आ गई टी, और ये मेरा हिंज है, ठीक है. बोथ लेंथ्स आर 1 मीटर. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा एम एट ओ इज इक्वल टू 0, आई विल से टी इंटू 1 माइनस 100 × 2 इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू 200 न्यूटन आ गया, ठीक है. ये तो मेरी एक पहली इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट होगी. नाउ आई नीडेड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम टेंशन. अब मैक्सिमम टेंशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो मैक्सिमम टेंशन के लिए क्या करूँगा मैं, अब देखो ड्रम को खाली एनालाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है. दिस इज द ड्रम, ओके. अब इस ड्रम के ऊपर देर इज दिस टेंशन टी, ओके, और दूसरी साइड में लेट से द टेंशन इज टी टू, ओके. रैप एंगल वगैरह वो सब चीज़ें मेरे को ऑलरेडी दे रखी है. नाउ आई हैव टू पॉसिबिलिटीज हेयर, वन माई डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी काउंटर क्लॉक वाइज, और द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी क्लॉक वाइज. इन बोथ द केसेज इफ आई सी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज काउंटर क्लॉक वाइज, ओके. तो फॉर काउंटर क्लॉक वाइज टी वैल्यू विल बी मोर देन टी टू, है ना. तो जो टी टू की वैल्यू आएगी वो तो 200 से तो लेसर ही आएगी, है ना. इसका मतलब इस केस में जो टी मैक्सिमम पॉसिबल है दैट इज 200 न्यूटन, है ना. टी 200 न्यूटन का, अगर एट द सेम टाइम इफ आई अज्यूम दैट रोटेशन डायरेक्शन इज क्लॉक वाइज, अगर मैं उसको क्लॉक वाइज अज्यूम कर लिया तो आई नो कि टी टू विल बी मोर देन टी, है ना. और कितना ज़्यादा होगा, टी टू विल बी इक्वल टू टी इंटू ई रेज टू पावर म्यू थीटा टाइम्स होगा, ठीक है. कैलकुलेट कर लेते हैं इसको कितना आएगा, तो टी टू विल बी इक्वल टू टी यानी 200 न्यूटन इंटू ई रेज टू पावर म्यू 0.5 इंटू थीटा 3π/2. दिस कम्स आउट टू बी 2110 न्यूटन, ओके. तो इट इज़ वेरी वेरी अपेरेंट कि अपना जो मैक्सिमम टेंशन जनरेट होगा दैट विल बी एज पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2110, ओके. तो दिस इज अवर डायरेक्शन फॉर मैक्सिमम टेंशन. अच्छा, ये तो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली यहाँ पे. अगर क्वालिटेटिवली हमको देखना होता तो वी कैन सिंपली से राइट कि इस केस में टी इज मोर देन टी टू, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल है दैट इज 200 न्यूटन ओनली. और जो सेकेंड केस है वहाँ पे टी टू विल बी मोर देन टी, यानी कि टी टू की वैल्यू जो भी आएगी वो मोर देन 200 तो रहेगी. सो इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन आई विल गेट द मैक्सिमम टेंशन, ठीक है. नाउ सेकंड पार्ट हियर इज व्हाट विल द मैक्सिमम व्हील टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड, ओके. तो अगेन टॉर्क के बारे में जब हम बात करेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू इंटू रेडियस, ये होता है. यहाँ पे अपना क्या होगा, टी टू माइनस टी इंटू रेडियस होगा, राइट. दीज आर द वैल्यू दैट यू आर यूजिंग हेयर, तो दैट विल कम आउट टू बी 2110 माइनस टी यानी कि 200 न्यूटन इंटू रेडियस. रेडियस वॉज हाउ मच, रेडियस वॉज 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, ठीक है. तो इसके जब हम वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे तो टॉर्क वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 382 न्यूटन मीटर, ठीक है. तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, है ना. ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से अप्रोच करो क्वेश्चन को. जो बेसिक फॉर्मूले हैं बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करने की ट्राई करो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ओके. अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, बैंड ब्रेक हैविंग बैंड विड्थ ऑफ 80 mm, है ना. तो सबसे पहले इसने अपने को बी दे रखा है 80 mm, ओके. ड्रम डाया इज ऑफ 250 mm, यानी कि आई नो दैट रेडियस इज इक्वल टू 0.125 मीटर, म्यू इज इक्वल टू 0.25, थीटा इज इक्वल टू
270 डिग्री यानी कि 3 पाई डिवाइडेड बाई 2. नाउ दिस बैंड ब्रेक इज रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड एग्जर्ट ए फ्रिक्शन टॉर्क ऑफ 1000 न्यूटन मीटर, है ना. टॉर्क की वैल्यू है 1000 न्यूटन मीटर. ओके, द मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी डेवलप्ड इन द बॉन्ड. ओके, तो टी मैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगेन वी आर गिवन द टॉर्क, वी नीड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम टेंशन. ओके, तो उसके लिए हमारे पास में दो रिलेशनशिप होंगी एज यूजुअल. तो लेट्स अज्यूम कि टी वन इज मोर देन टी टू. दो टेंशन जो डेवलप हुई हैं, इन वन साइड इट विल बी टी वन, अदर साइड इट विल बी टी टू, एंड टी वन इज मोर देन टी टू. तो जो पहला रिलेशन मेरा निकलेगा दैट विल बी टी वन इज इक्वल टू टी टू इंटू ई रेज टू पावर म्यू थीटा, यानी कि टी टू इंटू ई रेज टू पावर म्यू 0.25 इंटू थीटा 3 पाई डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो दैट कम्स आउट टू 3.25 टी टू. ठीक है, तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज टी वन इज इक्वल टू 3.25 टी टू, क्वेश्चन नंबर वन. ओके, हाउ विल आई कैलकुलेट द सेकेंड इक्वेशन? फॉर सेकेंड इक्वेशन आई एम गिवन टॉर्क हेयर. ओके, एंड टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? टॉर्क इज गोइंग टू इक्वल टू टी वन माइनस टी टू इंटू रेडियस, है ना, क्योंकि टी वन की वैल्यू ज़्यादा है. तो ये कितना हो जाएगा? 3.25 टी टू माइनस टी टू इंटू रेडियस. रेडियस की वैल्यू कितनी है? रेडियस इज गिवन इज 0.125 इज इक्वल टू 1000. और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टी टू की वैल्यू विल कम आउट टू बी 3555 न्यूटन. ठीक है, ये टी टू की वैल्यू होगी. लेकिन हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम टेंशन निकालना है. तो मैक्सिमम टेंशन यानी कि टी वन विच इज इक्वल टू 3.25 इंटू टी टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी 11555 न्यूटन. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी माई मैक्सिमम टेंशन. अगेन बेसिक से करो, सिंपल फार्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा. ओके, ए फोर्स ऑफ 400 न्यूटन अप्लाई टू द ब्रेक ड्रम ऑफ 0.5 मीटर डाया, है ना. तो द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन टू मी इज रेडियस इज इक्वल टू 0.25 मीटर, लोड दैट इज अप्लाइड इज 400 न्यूटन. ओके, रैप एंगल थीटा इज पाई रेडियन, म्यू वैल्यू इज 0.25. आई नीड टू कैलकुलेट द ब्रेकिंग टॉर्क. ओके, ब्रेकिंग टॉर्क अपना कितना होगा दैट आई नीड टू कैलकुलेट. तो सबसे पहले क्या करना अपने को? अगेन ये सी, ऑन वन साइड देर इज अ टेंशन ऑफ 400 न्यूटन, है ना. तो अनदर साइड में टेंशन कितनी होगी, और फिर वो ज़्यादा होगी कि कम होगी, है ना. दोनों चीज़ अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आई नो कि जो 400 वाली साइड है दैट इज द टाइट साइड, है ना. और जो दूसरी साइड है, लेट्स से यहाँ पे टी टू हो गया जनरेट, ये मेरा ड्रम है, इस तरफ लग रहा 400, इस तरफ लग गया टी टू. तो टी टू इज गोइंग टू बी स्लैक साइड डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. तो आई विल सिंपली से दैट 400 इज इक्वल टू टी टू इंटू ई रेज टू पावर म्यू थीटा, है ना. सिंपल, कुछ नहीं करना अपने को यहाँ पे ज़्यादा. तो 400 इज इक्वल टू टी टू इंटू ई रेज टू पावर म्यू. म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू इज गिवन टू मी एज 0.25 इंटू थीटा इज गिवन एज पाई. ठीक है, तो इसको जब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे अपन, दिस कम्स आउट टू बी 2.19. ओके, तो इंटू टी टू, है ना. तो टी टू इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 2.19. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अभी? टी टू विल कम आउट टू बी 182.37 न्यूटन. अब मेरे पास में टेंशन की वैल्यू निकल गई, तो आई कैन कैलकुलेट द टॉर्क वैल्यू, है ना. तो टॉर्क वैल्यू कितनी होगी? टी वन माइनस टी टू इंटू रेडियस, है ना. टी वन यहाँ पे कितना है? 400 न्यूटन है. माइनस टी टू कितना है? 182.37 इंटू रेडियस. रेडियस की वैल्यू कितनी है? 0.25 है. एक मिनट, रेडियस की वैल्यू कितनी थी? 0.25, राइट. तो इसको जब मैं सॉल्व कर लूँगा तो द आंसर विल कम आउट टू बी 54.4 न्यूटन मीटर. ठीक है, तो यू सी हर क्वेश्चन के अंदर एक नए तरीके से सेम ही कंसेप्ट को अप्लाई किया जा रहा है. ओके, तो डोंट वरी कि इतना ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन कुछ हैवी आता होगा या फिर बहुत सारे कंसेप्ट अलग अलग यहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है. उसमें सिंपली एक ही कंसेप्ट को बार बार अपने को यूज़ करना है. ओके, तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज दैट आर रिक्वायर्ड. ओके, अभी ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं. आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन हियर. ओके, ए मास ऑफ 2000 kg
इज बीइंग लोवर्ड एट ए वेलोसिटी ऑफ 2 meter per second. ओके, यानी कि हमको यहाँ पे मास दे रखा है 2000 kg का. ओके, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटीज 2 meter per second से उसको लोअर करना स्टार्ट किया एज शोन इन द फिगर. द मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ड्रम इज 150 kg. तो जो जे की जो वैल्यू है फॉर द ड्रम इज गिवन एज 150 kg meter square. ओके, नाउ ऑन अप्लाइंग द ब्रेक द मास इज ब्रॉट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 meter. यानी कि कितनी हाइट वो ट्रेवल कर गया होगा, 0.5 meter की हाइट ये ब्लॉक जो है वो ट्रेवल कर चुका होगा. ओके, द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्रेक इज फाइन. तो एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्रेक कितनी होगी, ठीक है. तो यू सी, जितना भी एनर्जी यहाँ पे चला गया है दैट ऑल एनर्जी इज गोइंग टू गो इन टू द ब्रेक ओनली, है ना. तो कौन कौन सी एनर्जीज है जिनका यहाँ पे लॉस होगा ब्रेक लगाने के टाइम पे? वन इज गोइंग टू बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास, है ना, क्योंकि उसको वेलोसिटी है वी स्क्वायर का, है ना. देन देर इज गोइंग टू बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास, कुछ डिस्टेंस वो नीचे ट्रेवल करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी. एंड थर्ड वन वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई पुली. ओके, तीसरा होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पुली. नाउ ऑल दीज थ्री एनर्जीज आर गोइंग इन टू ब्रेकिंग, ठीक है. तो हम तीनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे एंड देट विल बी अवर आंसर. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, राइट. इतना चेंज है ना डेल्टा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास. तो इनिशियल वेलोसिटी वी वन इज हाउ मच, 2 meter per second, एंड वी टू इज 0 क्योंकि हमने ब्रेक लगा दिया उसके अंदर. तो दिस इज गोइंग टू इक्वल टू हाफ इंटू 2000 इंटू 2 square minus 0 एंड देट विल कम आउट टू बी 4000 joule, ठीक है, 4000 joule आ गया. ये था कि डेल्टा के ऑफ द मास. सिमिलरली आई विल कैलकुलेट डेल्टा के ऑफ पुली, है ना. पुली का जो रोटेशन की वजह से जो एनर्जी लॉस हो गई, एनर्जी का जो लॉस हो गया होगा, ठीक है. तो देट विल बी हाफ जे ओमेगा वन स्क्वायर माइनस ओमेगा टू स्क्वायर, राइट. सिंपली होगा. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट कि ओमेगा वन एंड ओमेगा टू की वैल्यू कितनी होगी, है ना. ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा. और जे की वैल्यू तो अपने को दे रखी है, तो ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट मैं कैसे कर सकता हूँ? फॉर ओमेगा आई मस्ट बी नोइंग द डायमीटर हियर. ओके, तो डायमीटर अपने को दे रखा है इसने, आई थिंक इन्होंने डायमीटर यहाँ पे नहीं दे रखा. ओके फाइन, वन एज्यूम कर लेते हैं उसको, रेडियस को वन एज्यूम कर लेते हैं. तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, देखो अगर हम रेडियस को वन एज्यूम कर लेंगे तो वी जो इनिशियल था दैट इज इक्वल टू बेसिकली आर ओमेगा, है ना. तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी दैट इज वी बाई आर, है ना. और वी अपनी कितनी है, 2 meter per second है. अगर रेडियस भी 1 meter होगी तो अपना जो ओमेगा होगा दैट इज 2 radian per second, है ना, 2 radian per second आ जाएगा. तो अभी इसको यहाँ पे डाल दो, हाफ इंटू जे, जे की वैल्यू कितनी दे रखी थी 150 इंटू ओमेगा वन स्क्वायर टू स्क्वायर माइनस फाइनली तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा. तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 300 joule. ओके, ये वैल्यू होगी अपनी 300 joule होगी यहाँ पे. अब थर्ड जो एनर्जी थी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास, है ना. तो वो कितनी होती है, mgh के बराबर होगी. m की वैल्यू 2000, g की वैल्यू 9.81, h की वैल्यू 0.5, सब की वैल्यू डाल दो तो इट विल कम आउट टू बी 9810 joule, है ना. तो जो नेट एनर्जी दैट इज गोइंग इनटू टॉर्क, ये सारी की जो सारी एनर्जी होगी दैट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय टॉर्क, सॉरी ब्रेक ओनली, है ना. तो डेल्टा ई फॉर ब्रेक इज इक्वल टू तीनों का समेशन, है ना. तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास प्लस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली, रोटेशनल एनर्जी हो बेसिकली, प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास. एंड दिस कम्स आउट टू बी 4000 प्लस 300 प्लस 9810 एंड आंसर वुड बी 14110 joule, है ना. तो जो टोटल एनर्जी होगी अपनी दैट विल बी 14.11 kilo joule, ठीक है. तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे, कुछ इनमें ज़्यादा टेक्निकल भी ऐसा कुछ नहीं था, है ना. सिंपल सा कंसेप्ट लगता है हर क्वेश्चन में और हर बार वही चीज़ को घुमा फिरा के पूछते रहता है, ठीक है. तो वेल दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द ब्रेक्स. अगला जो हम एक टॉपिक लेंगे दैट विल बी ऑफ क्लचेज.
क्लचेज ऑल दो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब जब हम लोगों ने कॉलर बियरिंग की बात किया था तो क्लचेज वहाँ पे सॉर्ट ऑफ कवर हो ही है, बट स्टिल क्लचेज के कुछ एक दो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होंगे दैट आई एम गोइंग टू ऐड इन द क्लचेज एंड वेल दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम.